संभल जनपद के रजपुरा और नखासा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के कुशल निर्देश में जनपद संभल में कानून व्यवस्था एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत संभल जनपद के रजपुरा थाना और नखासा थाना क्षेत्रों की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जबकि मुखबिर की सूचना पर तुर्तीपुरा इलाहा और सेंडोरा के जंगलों में अवैध रूप से चल रही शस्त्र फैक्ट्रियों पर छापा मारकर चार अभियुक्त को गिरफ्तार करके उनके कब्जे में कुल 24 बने व 26 अध बने शस्त्र बरामद किए तथा उनके कब्जे से शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं और काफ़ी मात्रा में बरामद हुए हैं। संभल से रिंकू कुमार यादव, लाइव अभी तक। ये जनपद संभल में दो थाना क्षेत्रों में लगातार जो इलेक्शन के दौरान कार्रवाई चल रही है, इसी में हमारे दो थाना क्षेत्र नखासा और रजपुरा थाना क्षेत्र में जो जंगल क्षेत्र है वहाँ पे ये लगातार मुखबिर की सूचना प्राप्त करके ये कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में असलहे बरामद किए गए हैं, जिसमें नखासा के क्षेत्र से तुर्तीपुरा इलाहा गाँव है, तुर्तीपुरा इलाहा के जंगल से एक घर था वहाँ पर ये बनाया जा रहा था अवैध शस्त्र, और रजपुरा के जो हमारा है सेंडोरा के जंगल में वहाँ पर बनाया जा रहा था। यहाँ से दो दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पे भारी मात्रा में लगभग 24 बने और 26 अध बने 24 बने और 26 अध बने असलहे प्राप्त किए गए हैं। इनसे रिकवर किया गया है और अब इसके साथ में भारी मात्रा में इनके बनाने के उपकरण भी मिले हैं इसमें, जिसे ये बनाते थे और लोकल सप्लाई करते थे, आसपास के जिलों में भी ये बेचने का काम करते थे। जैसे कि कट्टा है 4000 रुपये में, पौनिया है 5000 रुपये में, या उससे बड़े असलहे हैं 6000, 8000, 10000, 15000 में, ऐसे ही ये लोग बेचते थे, सप्लाई करते थे। इलेक्शन के दौरान इनके विशेष प्रयोग होने की संभावना थी, जिसमें पुलिस ने सक्रिय रूप से कार्रवाई करते हुए 24 बने और 26 अध बने असलहे जब्त किए हैं और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जिस तरीके से लगातार दो दिन के अंदर यहाँ अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, तो क्या इससे लग रहा है कि संभल में कोई इस तरह की कोई चुनाव को लेकर के सरगर्मी है और पुलिस सक्रियता दिखाती है? ये सभी क्षेत्रों में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पुलिस सक्रिय है, ये इस बात का प्रमाण है कि लगातार वो रिकवरी कर रही है। और ऐसे लोग जो अनवांछित तत्व हैं, जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार और डीजीपी और एडीजी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग हर क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं, इलिसिट लिकर हो, अवैध धन का परिवहन हो और अवैध शस्त्रों का परिवहन हो या एम्युनेशन का परिवहन हो, इन सभी को रोकने के लिए हमारे यहाँ स्टेटिक टीम भी लगी हुई है, हमारे यहाँ बैरियर पिकट बनाए गए हैं और पूरे क्षेत्र में इंटेलिजेंस गैदरिंग करके जो ऐसे अनवांछित तत्व हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे सभी तत्वों को आने वाले समय में भी ऐसे सभी तत्वों को लगातार चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ।